रानू मंडल की तरह फरमान इनाज को भी बॉलीवुड में जाने का मौका मिल गया है, जो कि फरमान इनाज बहुत ही मीठी आवाज़ में गाना गाती है, जो कि रानू मंडल को भी पीछे छोड़ चुकी है। उनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी आवाज़ है, बहुत ही सुरीली आवाज़ है, जो कि मनोज तिवारी उनके गाने को सुने हैं न्यूज़ 24 के जरिए से और उनकी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा गाना जो उनके गाने में जो कशिश है, ये कुदरती देन है, इसलिए इसको आगे बढ़ाना चाहिए और पूरा भरपूर मदद करने के लिए उन्होंने कहा है। जी हाँ, तो आप लोग बने रहें, देखें पूरी रिपोर्ट को। मुजफ्फरनगर की नाज सुरों की सरताज फरमानी नाज है, जो कि रानू मंडल को भी पीछे छोड़ने वाली है। जी हाँ, अपनी मधुर आवाज़ से, उनकी मधुर सी मीठी सी आवाज़ को आंसू बच्चन जो कि मिमिक्री करते हैं और बड़े यूट्यूबर हैं, जो फरमानी नाज के गाने को रिकॉर्डिंग करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाला करता था, जिससे फरमानी नाज के गाने को भी सोशल मीडिया में लोग काफ़ी पसंद करने लगे हैं और काफ़ी वायरल भी हो रहा है उनका गाना। इसी बीच उनको न्यूज़ 24 के प्रोग्राम में गाने का मौका दिया, जहां पर न्यूज़ 24 रानू की तरह इनको भी फेमस बनाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है। इसी बीच बीजेपी के सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने उनके गाने को सुनकर काफ़ी तारीफ़ भी की है और बोले हैं कि ये कुदरत की देन है, ये कभी कभी इस तरह की आवाज़ जो कि रियलिटी है इस आवाज़ में कभी कभी देखने को मिलता है, जो फरमानी की आवाज़ में है और उसे मदद करने का पूरा भरोसा भी दिया है। साथ ही साथ बॉलीवुड सिंगर अशोक मस्ती ने भी काफ़ी सराहना की है उनकी आवाज़ की और आगे साथ देने का पूरा भरोसा दिया है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये खबर, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।